बैक टू माई चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक भी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में नाक से खून आना कितना नॉर्मल है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी में ऐसे कुछ घटना घटती है तो डर जाते हैं और इसको लेकर के बहुत सारे मन में आशंकाएं आने लगती हैं। तो आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंट महिलाओं की नाक से खून आना कितना कॉमन है और या फिर यह कितनी गंभीर बीमारी का सिम्टम होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी टाइम में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और कई सारी घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनको लेकर के देख करके हमें डर लगने लगता है, और इन्हीं में से एक होता है नाक से खून आना। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितनी गंभीर बीमारी है। फ्रेंड्स, नाक से खून आना एक, जैसे हम हिंदी भाषा में नकसीर कहते हैं, अगर प्रेगनेंसी अवस्था में होती है तो इसे लेकर के कई बार चिंता होती है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक कॉमन चीज होती है। पहले हम समझते हैं कि नाक से खून क्यों आता है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रेगनेंसी टाइम में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी टाइम में महिलाओं का वजन बढ़ता है, प्रेग्नेंट होती हैं, और ऐसे में उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई होता है। इसके साथ साथ में हमारा जो ब्लड की वेसल्स होती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है, यानी तेज होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन तेज क्यों होता है, क्योंकि इसे ब्लड पहुंचाना होता है बेबी के पास, यानी हमारा पूरा बॉडी में ब्लड की जो मात्रा है वो तेजी से गति कर रही होती है। ऐसे में अगर ब्लड वेसल्स चौड़ी है और उसमें प्रेशर है, ब्लड चल रहा है, तो ऐसे में हमारी नाक की जो वेसल्स होती हैं वो बहुत बारीक और पतली होती है, तो इनमें भी चौड़ापन आ जाता है, जिसके कारण से अगर आपको यहाँ थोड़ा सा भी किसी भी तरीके का घर्षण या चोट लगती है तो यह फट जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो इस कारण से प्रेगनेंसी टाइम में ये ब्लीडिंग होना एक आम बात है और इसको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये ब्लीडिंग बार बार होती है, लगातार होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो ये खतरनाक हो सकती है, और फिर इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे और माँ दोनों के लिए काफ़ी गंभीर और जानलेवा हो सकती है। तो आज हम जानेंगे कि नॉर्मल तौर पर ब्लीडिंग किन किन कारणों से होती है और गंभीर कारणों में से कौन कौन से कारण हैं जिनमें कि नाक के द्वारा ब्लीडिंग हो सकती है और आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो पहले हम नॉर्मल कारणों पर बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़ा कारण होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन का तेज हो जाना, जिसके कारण से जो वेसल्स हैं वो चौड़ी हो जाती हैं और इस कारण से ये ब्लीडिंग जो है प्रेशर की वजह से हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात होती है कि जो ब्लीडिंग का टाइम का क्या है। अगर आपको ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रही है तो एक नॉर्मल है, क्योंकि होती है। अगर ये ब्लीडिंग जो है आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रही है तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और इसको समझिए, क्योंकि ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि हाई बीपी के कारण से आपको ये ब्लीडिंग हो सकती है, और इसके लिए तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, रिस्की केस होता है। नेक्स्ट चीज होती है नाक के जो टिश्यू हैं वो अगर सूखने लगते हैं तो फिर वहाँ से वो क्रैक हो जाते हैं और इसके कारण से ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा नाक के जो टिश्यू हैं वो अगर सूखने लगते हैं तो फिर वहाँ से वो क्रैक हो जाते हैं और इसके कारण से ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा एक टॉक्सीमिया एक कंडीशन होती है जिसमें कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, और इसके लिए भी आपको डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। इसका अलावा वैस्कुलर कंजेशन की वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में सर्दी जुकाम बना रहता है तो हमारी नाक की जो परत है उसमें सूजन रहती है, और ऐसे में आपको ब्लीडिंग जो है बहुत जल्दी हो जाती है। इसके अलावा एलर्जी, कुछ चीज़ों से एलर्जी के कारण भी हमारी नाक के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है, श्लेष्मा जैसे हम कहते हैं, और वहाँ पर ये ब्लीडिंग चालू हो जाती है। इसके अलावा नाक अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और आप जरा भी रब कर लेते हैं या आपका नाखून लग जाता है तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। सर्दी के सीजन में अक्सर ही हमें ड्राइनेस देखने को मिलती है, जिसके कारण से आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। अगर नेक्स्ट चीज़ होती है जो आपको ज़रूर नोटिस करनी चाहिए, कि अगर आपको जो ब्लीडिंग है थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रही है
और बार बार हो रही है और हैवी मात्रा में हो रही है, तो ये सीधा सीधा एक इंडिकेशन है कि आपका प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और हाई बीपी के कारण से हो सकती है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको सिजेरियन की सलाह दे सकता है। ये सभी रीजन होते हैं और आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप घरेलू तौर पर क्या कर सकते हैं। अगर आपको नाक से ज्यादा तेज खून आ रहा है तो कुछ बात का ध्यान रखें। अगर आपको लगातार आ रहा है और 10 मिनट से ज्यादा आ रहा है तो डॉक्टर से बात करें। अगर नाक का खून जो है आपके लेटते समय शुरू हुआ है तो तुरंत उठकर बैठ जाए और अपने सिर को सीधा रखना है, इस तरीके से जैसे मैं बैठी हूँ इस तरीके से रखना है, आगे पीछे कहीं नहीं हिलाना है और अपने ये दो उंगलियों से आपको नाक को बंद कर लेना है इस तरीके से और इसको बंद करके रखना है, जैसे कि आपको बदबू आने पर होता है इस तरीके से बंद करके रखना है और 10 मिनट तक इससे करके देखेंगे और उसके बाद में आप चेक करेंगे कि खून बंद हुआ है कि नहीं और उसके बाद आपको बर्फ के टुकड़े या आइस पैक से अपने नाक की सिकाई करनी है ताकि आपका नाक से खून आना जो है बंद हो जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप अपने सिर को थोड़ा सा आगे झुका करके रख सकते हैं ताकि जो खून है वो आपके मुंह में नहीं जाए। अगर आपके मुंह में खून चला गया है तो कुल्ला कर लीजिए और मुंह को साफ कीजिए। अब हम बात करते हैं इससे बचाव के तरीके के लिए। तो बचाव का तरीका यही है कि अपनी जो आप लिक्विड चीज़ें हैं उनको बढ़ा दीजिए, जैसे फलों के जूस है, पानी है, इसकी मात्रा आप अपनी बॉडी में बढ़ा के रखिए, घर को ठंडा रखिए, नाक को ड्राई होने से बचाइए और इसके अलावा आप घर को ठंडा के साथ में हवादार जरूर बना के रखिए। नाक में किसी तरह की चोट, नाखून या झटका लगने से बचाना चाहिए। अंदर मॉइस्चराइज लगा वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी नाक जो है मॉइस्चराइज रहे। तो ये सभी छोटी चीजें हैं जो कि आपको जरूर करनी चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।